Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha and you are watching Erodo School of Physics. In this video, I am going to discuss about question number 17 of iErodo. And in this question, suppose the surface charge density over a sphere of radius capital R depends upon polar angle sigma equal to sigma naught cos theta, where sigma naught is a positive constant, so that such a charge distribution can be represented as a result of a small relative shift of two uniformly charged balls of radius capital R whose charges are equal in magnitude and opposite in sign. Restoring to this representation, find the electric field strength vector inside the given sphere. Okay. इस क्वेश्चन में ऑथर करना चाह रहे हैं, इसमें दो पॉइंट है. एक है कि आपको प्रूफ करना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस थीटा होगा, ठीक है. और सेकेंड है, यदि सिग्मा नॉट कॉस थीटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. तो सेकेंड क्वेश्चन को मैं पहले बता देता हूँ और जो प्रूफ करने वाली बात है वो मैं बाद में करता हूँ, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 16 और 17, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए तो कहा जा रहा है कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा एआर कॉस थीटा दिया हुआ, एआर कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है. ए एक कांस्टेंट वेक्टर है और आर रेडियस वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है और सरफेस चार्ज डेंसिटी एआर कॉस थीटा दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस थीटा है, मतलब ए आर के जगह पे क्या आ गया, सिग्मा नॉट आ गया. तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा वही क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा. जहां पे ए आर है वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिग्मा नॉट लिख देंगे और आंसर आ जाएगा. इस बुक में जो नए अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है, इस बुक में आंसर रॉन्ग दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है. पुराने वाले शायद CBS पब्लिकेशन में बुक आती थी उसमें आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है. तो आप मैच करा लीजिएगा पुराने वाले बुक से इस क्वेश्चन का आंसर, इस बुक में रॉन्ग दिया हुआ, जो राइट आंसर है मैं वो बता रहा हूं आपको. ओके, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में सिग्मा इक्वल टू एआर कॉस थीटा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 16 में जो हमने लिखा था, डेट इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड था, निगेटिव में था क्योंकि निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन में था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या है, सिग्मा नॉट बाई 3 कॉस थीटा, 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड यह होगा. और इस क्वेश्चन में क्या था, सिग्मा नॉट के जगह पे एआर था, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में था. 17 का आंसर क्या होगा, तो 16 और 17 एक ही तरीके से बनेगा, जो कि इस क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको बता चुका हूं. यहां पे मैं एक नए तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि एक ही मेथड से दो क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन को एक ही मेथड से बनाना सही नहीं है. तो मैं एक नए मेथड से इस क्वेश्चन को बना के आपको बता रहा हूं, ठीक है. अब यहां पे देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म, अब ये 16 और 17 को मैच करा लीजिए, 16 और 17 को यदि मैच करा लीजिए, तो ए आर कॉस थीटा जब था सिग्मा का वैल्यू, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था ए आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्वेश्चन नंबर किस में आया था, 16 में आया था, ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 17 में यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, समझिएगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो सिग्मा नॉट को क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं, और ए आर कॉस थीटा के टर्म में आ जाएगा, तो वैसे भी प्रूफ हो जाएगा सेकेंड पार्ट. तो अब देखिए क्या है, एक स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज बॉल है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके. एक निगेटिव स्फीयर है, निगेटिव स्फीयर बॉल है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है. इन दोनों को यदि एक ही जगह पर रख दिया जाए तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. अब यदि थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए पॉजिटिव या निगेटिव किसी को भी, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा. अब ये शिफ्ट कर चुका है, मतलब पहले इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा बन गया होगा,
दोनों का सेंटर एक जगह पे होगा। जब आपने निगेटिव वाले को इधर शिफ्ट किया, निगेटिव वाले को आपने इधर शिफ्ट किया, तो कितना शिफ्ट किया, ए डिस्टेंस इधर शिफ्ट कर दिया निगेटिव वाले को। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव वाले का सेंटर, यहाँ पे निगेटिव वाले का सेंटर, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, ए। तो जो आप इक्विवेलेंट स्फीयर बनाएंगे वो उसका सेंटर यहाँ पे होगा, बीच में कहीं पे होगा। तो पॉजिटिव वाले स्फीयर के सेंटर से वो ए बाई टू डिस्टेंस पे होगा, निगेटिव वाले से ए बाई टू डिस्टेंस पे होगा सेंटर। बिल्कुल सही बात है। तो पॉजिटिव स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण कितना होता है, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये होता है। यहाँ पे आर का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, ए बाई टू के बराबर। तो पॉजिटिव स्फीयर के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा सेंटर पे, और निगेटिव स्फीयर के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इस कारण से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई प्लस प्लस ई माइनस। तो ये कितने के बराबर होगा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू, ये ए आ जाएगा, रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, रो इंटू ए, रो इंटू ए क्या होता है, रो चूंकि ए जो है बहुत स्मॉल है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू विड्थ, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू विड्थ के बराबर होता है, रो डी आर के बराबर होता है। ठीक है, स्मॉल विड्थ के कारण। तो ई नेट का वैल्यू क्या आ गया, रो इनटू ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, और यहाँ से ये प्रूफ भी हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में जो हम लोगों ने देखा था, और 17 में जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा नॉट कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा नॉट कॉस थीटा लिख के वही आंसर आते हैं, सिग्मा नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में आया था। तो आप मैच करा के इसको बना लीजिएगा। थैंक यू।